ये देखिए गाइस, एक बार फिर से आ चुके हैं हम एक और नए वीडियो के साथ बबली बे के पास। और ये देखिए, मैं आपको आज पतंगे दिखाता हूँ, वो जो आपने शायद कभी पहले देखी होंगी, बट बहुत ही मतलब बेहतरीन पतंगे और काफ़ी पुरानी पुरानी पतंगे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आज। ये देखिए गाइस, ये पतंग देखिए आप, कितनी पुरानी पतंग है। और ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको किसकी पतंग है। ये देखिए गाइस, ये है पतंग राजेंद्र कुमार भोला। और ये देखिए पतंग, कितनी पुरानी पतंग है और एकदम बेहतरीन और बढ़िया पतंग है। ये देखिए लखनऊ की ये पतंग है, काफ़ी शानदार पतंग है। और ये देखिए, सारी पतंगे जो है रखी हैं सब पुरानी पतंगे हैं, काफ़ी काफ़ी टाइम से रखी हुई पतंगे। और ये हमारे बबली भैया के पास रखी हैं सारी पतंगे। और ये देखिए, आप दिखाते हैं बबली भैया। ये देखिए, ये श्याम लाल जी की पतंग है, काफ़ी पुरानी हो गई है पतंगे और बढ़िया पतंग है एकदम बेहतरीन। और ये देखना, बढ़िया बढ़िया पतंगे रख रखी हैं। सल्लू अजीम की ये पतंग, और काफ़ी पुरानी हो गई है पतंग भी, ये बबली भैया के पास रखे हुए हैं अभी तक, बढ़िया बेहतरीन पतंग है एकदम। ये देख ले बबलू भाई की पतंग है, लखनऊ वाले, काफ़ी पुरानी हो गई है पतंग, बढ़िया पतंग है एकदम बेहतरीन। और ये देखिए 2009 हैप्पी न्यू ईयर बबलू भाई की, ये भी पतंग है, बढ़िया पतंग है बेहतरीन एकदम। और ये देखिए सम्राट नियाजी की है, शायद ही सम्राट नियाजी की, हाँ ये सम्राट नियाजी की पतंग है। और ये देखिए, टूर्नामेंट लड़ी हुई है 2013 और 2014 में, बेहतरीन एकदम बढ़िया पतंग है ये। और ये देखिए यूसुफ नियाजुद्दीन की ये भी पतंग है, काफ़ी पुरानी पतंग है, मिलती नहीं है शायद इनकी पतंग है अब, बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन पतंग है। मैंने भी पहले कभी ये पतंगे नहीं देखी, आज बुली भाई के पास ही देख रहा हूँ ये सारी पतंगे, काफ़ी पुरानी पुरानी पतंगे हैं और बढ़िया बढ़िया पतंगे हैं। और ये देखिए अंकुर भाई की ये पतंग है, अंकुर भाई आगरा वाले जो हैं, बढ़िया पतंग है, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं हमारे बबली भैया के, अंकुर भाई। और ये देखिए अंकुर भाई की आगरा की पतंग है, ये पतंग ऐसी है ये मैंने अभी हाथ में लेके देखी तो मैं हिला भी नहीं पा रहा था, इतनी मतलब इतनी टाइट पतंग है, ये पत्थर है एकदम, कमान इतनी टाइट है इनकी, ये देखिए मुड़ भी नहीं पा रही थी, मतलब पता नहीं कैसे उड़ा लेते हैं बबली भैया हमारे ये पतंग है, बहुत भारी पतंग है गाइस, बहुत ही ज़्यादा भारी। ये अंकुर भाई की पतंग है, अंकुर भाई आगरा वाले हैं, उनकी पतंग है, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं हमारे बबली भैया के, मतलब काफ़ी टाइम से उनकी यारी दोस्ती अभी बताया बबली भैया ने। और ये देखिए अनवर की पतंग है, और ये देखिए बढ़िया बढ़िया पतंग है, काफ़ी पुरानी पुरानी पतंग है। और ये देखिए गाइस, और ये देखिए ओरिजिनल पतंग है शादाब कुरैशी जी की, 2010 या 11 2010 की शायद ये पतंग है, ओरिजिनल पतंग है, काफ़ी पुरानी और बेहतरीन पतंग है एकदम बढ़िया। ये देखिएगा ये शादाब कुरैशी जी की ये पतंग है, बहुत पुरानी है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया पतंग है। ये देखिएगा, और ये देखिए, ये देखिए राहत भाई की पतंग है मुरादाबाद वाले, और ये शायद इन्होंने पतंगे बनानी छोड़ दिया जो भी है, मेरे को पता नहीं है, पर काफ़ी बढ़िया पतंग है। और ये भी राहत भाई की पतंग है मुरादाबाद वाले, ये भी राहत भाई की है, ये तीनों पतंग राहत भाई की है, काफ़ी अच्छी पतंग है और काफ़ी पुरानी पुरानी पतंग है। और ये देखिए गाइस कितनी पुरानी पुरानी पतंग है, ऐसे ऐसे कारीगर हैं जिनके मेरे को नाम भी नहीं पता, मतलब काफ़ी पुराने पुराने कारीगर हैं, भैया के टाइम के होंगे वो जो भी है, काफ़ी अच्छी अच्छी पतंग है। और ये देखिए कितनी पुरानी पुरानी पतंग है और बढ़िया पतंग है एकदम बेहतरीन। तो ये देखिए फोटो वाले असगर, असगर का तो खैर मैं जानता ही हूँ, और ये बहुत ही पुरानी पतंग है, ये भी बढ़िया पतंग है, वो भी असगर भाई की, दूसरी वाली भी बढ़िया पतंग है जो कि फ़ोटो वाले के नाम से काफ़ी मशहूर है। और ये देखिए सल्लू अजीम, बढ़िया, अच्छा ये रहे नहीं है अब, इनका इंतकाल हो गया है, बढ़िया पतंग है इनकी। और ये असगर भाई की पतंग है, काफ़ी पुरानी है, बढ़िया बढ़िया पतंग है हमारे बबली भाई के पास। और ये देखिए छब्बन भाई की पतंग है, काफ़ी अच्छी पतंग है ये भी फ़ोटो वाले भाई असगर, उन्हीं की पतंग है। और ये देखिए एक और पतंग कितनी प्यारी है, काफ़ी पुरानी है, इनका नाम नहीं है कारीगर को, काफ़ी अच्छी पतंग है, मतलब बढ़िया पतंग है। और ये काफ़ी मतलब पतंगें इतनी पुरानी हो रही हैं कि उड़ाएंगे तो ये झड़ जाएंगी या फट जाएंगी, पर बबली भैया ने रख रखे हैं सेव करके। और ये देखिए कितनी प्यारी पतंग आई है गाइस, बेहतरीन पतंग है, ये किस कारीगर की पतंग है भैया, इन पर नाम नहीं है कारीगर पर, काफ़ी पुरानी पतंग हो गई, भैया को भी याद नहीं है कि ये किसकी पतंग है, काफ़ी अच्छी अच्छी पतंग है। असगर अली की ये पतंग है गाइस, देखिए बढ़िया ये भी पतंग है एकदम, फ़ोटो वाले के साथ ये जो भी है, पर काफ़ी अच्छी अच्छी पतंगे हैं। और ये देखिए गाइस कितनी पुरानी पुरानी पतंगे हैं, पहली बार ही देख रहा हूँ मैं गाइस इतनी पुरानी। और ये 56 भाई हैं उनकी पतंग है, ये देखिए कितनी बढ़िया पतंग है एकदम बेहतरीन, 56 भाई की पतंग। और ये देखिए गाइस, ये देखिए कितनी प्यारी पतंग है, यूसुफ नियाजी, बढ़िया पतंग है एकदम बेहतरीन, काफ़ी पुरानी पतंग है ये भी और बढ़िया पतंग है। ये देखिए कितनी सारी पतंगें निकल के आ रही हैं, काफ़ी पुरानी पुरानी। और ये देखिए कितनी प्यारी पतंग है,
तो ये देखिए नौशाद कुरैशी की पतंग है, ये तो मेरठ वाली है, काफ़ी अच्छी पतंग बनाते हैं ये भी। और ये कितनी प्यारी पतंग है, काफ़ी टाइट पतंग है, मतलब दूर का फरमा है, बढ़िया पतंग है, इस पर नाम नहीं है कोई, काफ़ी अच्छी पतंग है ये भी। नवरंग लखनऊ वाले भाई उनकी पतंग है ये भी, काफ़ी बढ़िया बढ़िया पतंग है ये भी। ये देखिए लखनऊ बढ़िया पतंग है गाइस, एकदम बेहतरीन। बरेली के एक कारीगर हैं पेंटर पतंग, बबलू पेंटर गाइस, बबलू पेंटर की पतंग है, काफ़ी पुरानी पतंग है और अच्छी पतंग है गाइस, काफ़ी। मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ बबलू पेंटर, पर काफ़ी अच्छी पतंग है हमारे टाइम में, मतलब अब की जनरेशन में शायद नहीं आती। और ये देखिए शादापुर ऐसी की ओरिजिनल पतंग है, और ये देखिए ये भी बढ़िया पतंग है, एकदम बेहतरीन। ये शादाब कुरैशी के शागिर्द हैं कोई, बढ़िया बढ़िया पतंग है, काफ़ी पुरानी पतंग है, मेरे पास होती मैं सब उड़ा देता है ये पतंग है। ये देखिए कितनी प्यारी, मतलब इस टाइम पे इतनी बढ़िया हो रही है ना ये पतंग है, बस क्या ही बताऊँ आपको भाई। कुछ कुछ पतंगें तो ऐसी हैं जो उड़ाने लायक एकदम बेहतरीन, बस उड़ाई दो अभी ले जाके। और ये देखिए कितनी प्यारी पतंग है, अच्छा इनका भी इंतकाल हो गया है, ये सल्लू अजीम मराठा। ये देखिए बढ़िया बढ़िया पतंग है गाइस, क्या ही पतंग है, बबली मेरठ, अच्छा वो है नहीं मेरठ में, बढ़िया पतंग है एकदम बेहतरीन। ये तब की पतंग है, यहाँ पे मेरठ में अंसल ग्राउंड है, वहाँ पे टूर्नामेंट लड़ते थे, तब की ये पतंग है, तब बबली वे लेके आए थे, बढ़िया पतंग है एकदम, मतलब काफ़ी टाइम हो गया उस टूर्नामेंट को भी जब लड़े थे मेरठ में, और काफ़ी पुरानी पुरानी पतंग है। ये देखिएगा ये बैग खाली हो गया है बबली भैया का, इतनी सारी पतंगें और काफ़ी पतंगें रख रखी हैं बबली भैया ने, ये सब तो कलेक्शन है, ये वो कलेक्शन है जो बबली भैया के, मतलब अच्छे अच्छे आरिफ कुरैशी की पतंग है, ये सब का वो कलेक्शन है जो बबली भैया ने अपने पास सेव करके रखा है। और ये देखिए मेरठ के मास्टर जी हैं, मास्टर जी की ओरिजिनल पतंग है, ये देखिए कितनी प्यारी पतंग है गाइस। और ये वो कलेक्शन है जो बबली भैया ने काफ़ी टाइम से रख रखा है, तब शौक था, मतलब तब बनाते नहीं थे, और ये जो ये पतंगे सब रखी हैं दोनों बैगों में, इनकी खुद की पतंग है जो खुद बना रखी हैं, बाकी ये सब पतंग खरीदी हुई हैं काफ़ी टाइम पुराने। और ये देखिए काफ़ी ओल्ड पतंगे हैं, मतलब बढ़िया पतंगे हैं, बोलते ना ओल्ड इज़ गोल्ड, वही वाली पतंग है, काफ़ी अच्छी अच्छी पतंग है, तो ये रखी है बबली भैया ने, सारी पतंग बेहतरीन और ब्रांडेड है। ये देखिए एक से एक पतंगे हैं, बढ़िया बढ़िया पतंगे हैं बेहतरीन। ठीक है गाइज, फिर करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।